गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 7। ये ट्रेंगल है, आप जान रहे हैं कि ट्रेंगल आपको आ रहा है PT2 में। तो हम लोग क्वेश्चन ये जो 7 नंबर है एक्सरसाइज 16A का, वो क्या है कि इन अ ट्रेंगल मान लेते हैं कि आपके पास एक ट्रेंगल ABC है। इन अ ट्रेंगल ABC ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन लिखने रहे हैं। इन अ ट्रेंगल ABC थ्राइस एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यही दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में कि A जो है उसका 3 टाइम्स, B का 4 टाइम्स और C का 6 टाइम, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो इस जगह पर यहां पे क्या कर लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं X, इसको क्या मान लीजिए, लेट थ्राइस एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C इक्वल टू X, इसको मान लीजिए कि सब आपस में इक्वल है, तो सभी का वैल्यू यहां X ले लिए हम लोग। तो अब ये थ्राइस एंगल ए X के इक्वल है, 4 एंगल B जो है X के इक्वल है और 6 एंगल C ये भी X के इक्वल है। तो एंगल ए इक्वल टू ये 3 डिवाइड हो जाएगा X में आकर X/3। उसी तरह एंगल बी इक्वल टू X/4, ये एक्स तो रहेगा क्योंकि ये भी इसके इक्वल है, तो ये 4 डिवाइड हो जाएगा। एंगल सी निकालेंगे तो ये 6x के नीचे आ जाएगा, मींस हो गया X/6। अब आप देखिए यहां पे, ये तो आप लिख दिए। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम 180, ये पहले दिन ही पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे। इसको हम लोग शॉर्टकट में जो लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल, इसको ध्यान से देखेंगे। शॉर्टकट में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल से 180 आया। अब ए का वैल्यू एक्स के टर्म में, बी का एक्स के टर्म में और सी का एक्स के टर्म में डालिए, तो ये फर्स्ट हो गया X/3, X/4 और X/6 इक्वल टू कितना गया 180। ये तो रहेगा ही 180 डिग्री। अब इस केस में जब प्लस माइनस होता है और फ्रैक्शन आता है तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ 3, 4, 6 इक्वल टू 12 आएगा। निकाल के आप देखेंगे तो इसका एलसीएम 12 आ गया। तो 3 के टेबल में 12 कितना टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 4 के टेबल में 12 3 टाइम आएगा, तो ये हो जाएगा 3x और ये 6 के टेबल में आएगा 2 टाइम्स में, तो 2 × x ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 100 कितना गया 80। अब सबको अगर आप ऐड करते हैं 4, 3, 7, 2 को, तो 4, 3, 7, 2 हो गया 9x, 9x इक्वल टू 180 × 12। ये 12 कहां से लाए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां ले लिए, स्टेप में ले लिए हम लोग। ऐसे यहां पर 9x/12 इक्वल टू 180 लिखते, एक स्टेप को छोटा कर दिए जगह कम होने के कारण से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वहां भी करना होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई यहां भी हम कर दिए। तो देयरफॉर एक्स निकालना चाहेंगे तो 180 × 12 अब आई कितना आएगा 9, ये 9 आपका यहां डिवाइड आएगा, तो 9 के टेबल से 9 × 2 = 80 और ये 0 डाल दीजिए, तो 22 जाए, ये 12 जाए, तो 12 अगर आपको सिंपल सा 12 × 2 = 24 आ गया और 24 पे 0 डालिए, 240 आ गया। किसका वैल्यू आ गया, ये एक्स का आया सर, इसका वैल्यू आया एक्स का, एंगल ए नहीं निकला, तो x यहां भी है, तो 240/3 करेंगे तो 80 आ जाएगा, क्योंकि 3 डिवाइड करेंगे, तो फिर 240/4 करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा और 240/6 करेंगे तो ये 40 डिग्री आ जाएगा। यानी तीनों का मेजरमेंट आपका यहां से पता चल गया। देयरफॉर यानी यहां लिखिए सो एंगल ए इक्वल टू, ये सो है सो इक्वल टू एंगल ए 240/3, एंगल बी 240/4 और एंगल सी इक्वल टू 240/6। अब ये 3 का टेबल से 3 × 8 = 24 80 आ गया, तो यहां पर 80 डिग्री लिख दिया। 4 × 6 = 24 जीरो डालिए, 60 डिग्री आ गया आपका, और 6 × 4 = 24 ये 40 आ गया सर यहाँ पर, तो ये 40 डिग्री। अब यहां पर एक सवाल और भी आ गया कि इसमें हम लोग ये पता कर सकते हैं इसे कि
ये मेरा आंसर सही या गलत है, ये भी ध्यान से देखिए। इसका दो प्रोसेस बताएंगे आपको चेक करें। एक तो पहले आप चेक कर लीजिए कि तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए, तो 60 और 40 100 प्लस 80 180 आ गया तीनों तीनों एंगल का सम। अब आप यहां देखिए, ए चार गुना है, सॉरी ए थ्री टाइम्स है किसका, बी के फोर टाइम्स के, बी का फोर टाइम्स और ए का थ्री टाइम्स और सी का सिक्स टाइम्स, ये तीनों आपस में इक्वल है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखते हैं, ये आपका कितना है, सी 40 डिग्री आ गया। अगर ये 40 डिग्री को रेशियो में अगर लेते हैं हम लोग, आ जाएगा सर, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, हाँ यस, तो ये भी 240 आएगा, और इसको करते हैं 4 से ये भी 240 आएगा, और इसको करते हैं 3 से ये भी आपका 240 होगा, सब आपस में इक्वल हो गया। तो यहां पर इसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोग ऐसा चेक कर सकते हैं, लेकिन उतना चेक करने का आपको कोई नीड नहीं है, आप ये चीज चेक कर लेंगे ये तीनों एंगल का सम आपका 180 आया कि नहीं है। अगर ये 180 से लो या मोर देन 180 आ गया तीनों का सम, तो उस जगह पर ये गलत आंसर आया होगा। इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यहां पर लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे और बनाएंगे, दो तीन बार चार बार कोशिश करेंगे बनाने के लिए। और सभी बच्चे से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स को बोले कॉपी तैयार करके, कि पेरेंट्स को अपने रिक्वेस्ट कीजिए कि कॉपी ले करके पापा या मम्मी जो भी आएंगे जाकर के स्कूल में कॉपी चेक करा करके लाइए आप वहां से, इतना जल्दी हो सके, क्योंकि हम लोग जैसे पढ़ाते आ रहे हैं जितना ही आप लिखे हैं, ये नहीं कि हम लोग पूरा खत्म हो गया चैप्टर होगा खत्म तो ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जितना पढ़ रहे हैं जितना लिखे हुए तैयार किए हैं उसको आप वहां पर चेक करा करके लेके जाइए। ओके, थैंक यू।